Knock, knock. Wait a minute. So, this is the NX Girls Hostel of Government Medical College, Thrissur. A beautiful cinematic view. Hello everyone, welcome back to the channel. आज मेरे क्लिनिक पर जल्दी ख़त्म हो गया बिकॉज हमारा आफ्टरनून सेशन लीव हो गया, कैंसिल हो गया. तो मैं सोची क्यों ना अपने हॉस्टल का एक टूर दे दिया जाए. वैसे ये कोई एस्थेटिक हॉस्टल टूर या नहीं होने वाला, इट विल बी जस्ट अ सिंपल हॉस्टल टूर, स्पेशली एन आई ओपन फॉर बॉयज, जिनको लगता है गर्ल्स बहुत वेल ऑर्गेनाइज, क्रिएटिव और ब्यूटिफुल रहती हैं. तो आपको ये वीडियो देख के पता चलेगा. तो लेट्स गो टू द वीडियो. हॉस्टल में घुसने के बाद कुछ ऐसा पिक्चर मिलेगा. हमारे पास चार रास्ते हैं, 1, 2, 3 and 4. तो आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं, ये होगा हमारा 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4. 1 और 4 एकदम आइडेंटिकल रास्ते हैं. यहाँ पे रूम्स दिखेंगे और लास्ट में जाके वॉशरूम होता है. तो वॉशरूम तो दिखाऊंगी नहीं. देन हम मेस की तरफ जाते हैं जो कि रास्ता नंबर 3 है. मेस वो एक्चुअली मेस कम स्टडी रूम ज़्यादा बन गया है बिकॉज मेनली एग्जाम्स के टाइम सारे स्टूडेंट्स वहाँ जाकर पढ़ाई करते हैं. तो ये एरिया है हमारा मेस. यहाँ पे हमारे खुद के प्लेट्स होते हैं, यहाँ पे चेयर और टेबल का अरेंजमेंट है और वो है टीवी हमारा जो चलता नहीं है. काफ़ी स्पेसेस और शांत जगह है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ना भी प्रेफर करते हैं. वो एरिया हमारा किचन है और वो डस्टबिन एंड ऑल. अब मेस से बाहर आकर वापस से उसी पिक्चर पर हम चले जाते हैं. तो इस बार हम जाएंगे रास्ते नंबर 1 पर. एक्चुअली मेरा रूम सेकंड फ्लोर पर है तो मुझे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा काम नहीं है, बस मेस का काम होता है. और ये जो एरिया है विंडो के सामने वो मेरा मिनी स्टडी एरिया है बिकॉज मीन्स हॉस्टल का कोई एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हुए ना मिले. और हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पर और ऑनेस्टली इस फ्लोर पर मैं शायद ही कभी आई होंगी. इस तरफ रूम्स एंड सेम वॉशरूम है और दूसरे तरफ भी रूम्स वॉशरूम है, सेम सिमेट्रिकल व्यू है. बस एक खासियत है कि फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें एक टेरेस प्रोवाइडेड है, हमारे 2 टेरेस प्रोवाइडेड है और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आता है. और अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ जहाँ पे मेरा रूम है. हमारा हॉस्टल बहुत ज़्यादा ही सिमेट्रिकल है, मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो 2 डिफरेंट सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. यहाँ से ऊपर जाने के बाद भी हमें एक टेरेस है बट वो टेरेस एक्सक्लूसिवली वॉश्ड क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए है. ये हमारे गर्ल्स का टॉपिक डिस्कशन या फिर गॉसिपिंग एरिया है. यहाँ पे सब ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, यहाँ पे लेट नाइट कॉल्स भी होते हैं. और उस डायरेक्शन में मेरा रूम है, आपको फुल चप्पलों का स्लिपर्स का हॉल दिखेगा. और बाथरूम के सबसे सामने वाला रूम मेरा है और ये वीडियो मैंने रात में रिकॉर्ड किया है. तो लाइट स्विच ऑन करती हूँ. और ऊपर टेरेस है, वो सेम टेरेस का एग्जिट है बट हमेशा बंद रहता है, जनरली बंद रहता है और हमें एंट्री से ही वहाँ पे जाना पड़ता है. मैंने सुबह का व्यू भी रिकॉर्ड कर दिया. विंडो के सामने चेयर एंड टेबल लगाया है क्योंकि वहाँ पे मिनी स्टडी एरिया है. ये हमारा डिस्कशन एरिया है, इवन स्टूडेंट्स स्टेयर्स पे भी बैठकर पढ़ते रहते हैं. ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का टेरेस है जहाँ से बैक ऑफ द हॉस्टल का व्यू बहुत सुंदर आता है. ये सुबह का टाइम है, बहुत मेस्मराइजिंग टाइम है, सूदिंग टाइम है. और कभी कभी मैं यहाँ पे चाय के कप लेके वॉकिंग करने के लिए भी आ जाती हूँ. ये पता नहीं कौन सा रास्ता है बैक का, मैंने पहली बार देख रही हूँ. काफ़ी स्पेशियस है ये वॉकिंग करने के लिए. ये हमारे गर्ल्स हॉस्टल का बैक व्यू है. सो बस इसके बाद मैं आपको सबसे ऊपर वाले टेरेस पर लेके जाती हूँ जहाँ पे कपड़े भी, वॉश क्लोथ्स एंड ड्रायर, सिर्फ फुल कपड़े दिखेंगे आपको. इतने कपड़े हैं कि कभी कभी कपड़े तो यार गायब ही हो जाते हैं, इतने मेस्ड है यहाँ पे. यहाँ पे क्लोथ्स शो भी हो सकता है, इतने ज़्यादा क्लोथ्स हैं यहाँ पे. तो बस यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे. ये था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का टूर. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी वेल ऑर्गेनाइज, बहुत ब्यूटीफुल है. यहाँ पे हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के साथ रहना सिखाया जाता है. डॉग्स, कैट्स सबके साथ. आज तक सांप नहीं देखा, स्नेक नहीं देखा, वो बहुत बड़ी बात है. तो बस व्लॉग यहीं ख़त्म करते हुए बाय.